हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक, जिसे आप एक बार बना करके महीनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे बड़े वाले चने, इसे कई जगह पे छोले या फिर काबुली चना भी बोला जाता है, और ये आपको मार्केट या किसी भी ग्रोसरी स्टोर में इजीली मिल जाएगा। और यहाँ मैंने काबुली चने को अच्छे से धो करके ओवरनाइट के लिए या रात भर के लिए भिगो देंगे। और यहाँ मैंने भिगोने के बाद इसे अच्छे से फिर से एक बार वॉश कर लिया है। और अब हम पानी के साथ इसे कुकर में डालेंगे। अगर आप ज़्यादा चने का यूज़ कर रहे हैं तो पानी भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा डालें। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा करके इसे हाई फ्लेम पे हम इसमें दो विसिल आने देंगे, जिससे हमारे जो चने हैं अच्छे से पकेंगे नहीं, लेकिन थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें इसे इतना ही पकाना है। यहाँ मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए एक कप चने को 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। और 2 सीटी आ गई है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम खुद से ठंडा होने देंगे। और अब हम इसके बाद कुकर का ढक्कन खोलेंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारे चने काफ़ी अच्छे से स्टीम हो गए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, चने हमारे थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे जाली या छन्नी के ऊपर डाल करके हम इसका सारा एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे या छान लेंगे, जिससे चने हमारे आगे की रेसिपी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और इस तरीके से छानने के बाद हम इसे एक कॉटन टॉवल या फिर सूती के कपड़े पे इस तरीके से फैला देंगे। और अब हम इसे इस तरीके से फैलाने के बाद इसे हाथों से अच्छे से हम इस तरीके से फैला लेंगे। और फिर हम इसे टॉवल से एक बार फिर से दबाते हुए अच्छे से पोंछ लेंगे, जिससे इसके ऊपर लगा हुआ पानी भी अच्छे से सूख जाएगी। और अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए पंखे की हवा में छोड़ देंगे। आप इसे अगर इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए तो पंखे की हवा लगा दें, जिससे इसके ऊपर लगा सारा मॉइस्चर अच्छे से सूख जाएगा। और अब आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए हवा के नीचे रख दी थी और इसका सारा पानी सूख गया है और ये काफ़ी अच्छे से ड्राई भी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दी थी। तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है तो इस स्टेज पे हम इसमें बॉईल किए हुए चने डालेंगे। चने डालकर हम इसे अच्छे से तेल के अंदर डिप कर देंगे। और अब हम इसे हाई फ्लेम पे 20 से 25 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। और फिर इसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से सुनहरा कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं चने हमारे जैसे जैसे फ्राई हो रहे हैं, इसमें बबल्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब है कि चना हमारे जब फ्राई होंगे तो ये अंदर तक फ्राई होंगे और एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मैं आप सभी के लिए और नई रेसिपी लाती रहूँगी। और अब आप देख सकते हैं चने हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया लाइट पिंक कलर का आया है। तो हमें इसे इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि इसका जो स्वाद है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सारे चने को इस तरीके से छन्नी के ऊपर निकाल लेंगे। और अब आप देख सकते हैं सारे चने को यहाँ मैंने निकाल लिया, तो हम इसे अच्छे से इस तरीके से हिला लेंगे, जिससे चने के ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से छन जाएगी। और अब आप देख सकते हैं हमारे एकदम बाजार जैसा क्रिस्पी और कुरकुरा चना फ्राई बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसी ऑयल में कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालकर हम इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिससे हमारे कड़ी पत्ता बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए इसे फ्राई की हूँ और अच्छे से ये फ्राई हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से तेल या ऑयल में से इसे साइड निकाल लेंगे। और अब हम एक कटोरी या बाउल लेंगे और अब हम इसमें चने डालेंगे। और अब आप देख सकते हैं चने हमारे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए हम
इसमें मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे और अब हम इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च, नमक और 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। और इन सभी को डालने के बाद हम क्या करेंगे, स्पून या चम्मच से अच्छे से मसालों को हम चने में मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं चने के ऊपर मसाले काफ़ी अच्छे से कवर हो गए और आप देख सकते हैं चने हमारे एकदम चटपटे और टेस्टी लग रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फ्राई किए हुए कड़ी पत्ता डालेंगे और कड़ी पत्ता से इस मसाले और चटपटे चने में बहुत ही बढ़िया स्वाद और फ्लेवर आता है। तो आप इस तरीके से बनाएं और अब इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसे एयरटाइट कंटेनर में या डब्बे में 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये बनाना जितना ज़्यादा आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटे लगते हैं। और ये चटपटे चने घर के बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आप इस रेसिपी को, बहुत सारे अभी फेस्टिवल आने वाले हैं तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।